उधर भी निकलना है। तो फ्रेंड अभी हो रहा है 1:16 आज हम लोग लेट है, वरना हमेशा हम लोग 12:30 निकलते थे, आज लेट हो गए कुछ काम की वजह से। भाई रात भर जागने के बाद बहुत तेज नींद आ रही है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉफी लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऑन टाइम पहुंच गए स्टेशन, आधे घंटे पहले पहुंच गए, अल्लाह का शुक्र था। और सामने से देखिए हमारे इंडियन आर्मी के जवान जा रहे हैं। चलिए भाई चलते हैं, आइए आपका स्वागत है। तो हम लोग पहुंच गए स्टेशन और ट्रेन भी आ गई सामने। फाइनली सबा, सनी, अम्मा, बेटी खाला ये सब लोग पहुंच चुके हैं मोहदा में। मम्मी जो है वो बहुत ही ज्यादा मिस करती हुई दिखाई देती है सबा को, क्योंकि सबा हर टाइम अम्मी के साथ रहती थी। अम्मी को अगर बाहर जाना होता तो सबा ही लेकर जाती थी, इसलिए सबा को बहुत ज्यादा अगर कोई मिस करता है तो वो अम्मी करती है। ये लोग बहुत ही जल्द अब वापस भी आने वाले हैं, ईद के जस्ट बाद ये लोग वापस मुंबई में आएंगे, और आने के बाद बहुत बड़ी बिग अनाउंसमेंट करने वाले हैं किसी चीज़ को लेकर, वो आप लोगों को आने वाले ब्लॉग्स में भी पता चल जाएगी। सबा जो है वो अब की बार इतनी ज़्यादा इमोशनल यहाँ पे नहीं दिखाई दी, क्योंकि सबा को पता है कि अब वो जल्द ही वापस आने वाली है, बस कुछ टाइम के लिए ही वहाँ पे गई है, ईद के जस्ट बाद ही ये लोग वापस आ जाएंगे। बाकी बेटी खाला जो है वो कुछ ज़्यादा ही नर्वस और इमोशनल दिखाई दी, क्योंकि अब की बार बेटी खाला जल्द ही वापस नहीं आने वाली है, अब की बार बेटी खाला लंबे टाइम के लिए वापस मोहदा में रुकने वाली है।